सालिकम, मेरा नाम अमीना सैयद है और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ लाइटस्टोन पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड की। हम स्कूल टेक्स्ट बुक्स और फिक्शन और जनरल बुक्स की पब्लिशिंग करते हैं पाकिस्तान में। और मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ पढ़ने के बारे में, रीडिंग, कि इससे लिखने में क्या मदद मिलती है और जो लोग पढ़ते बहुत हैं तो वो किस तरह अदीब बन जाते हैं। मेरे ख़्याल में ये एक बुनियादी ज़रूरत है। अगर कोई किसी को भी शौक़ हो लिखने का या अदीब बनने का, तो उनको सबसे पहले किताबें पढ़नी चाहिए, किताबें, रिसाले और पोएम्स, और ये सब पढ़ेंगे तो उनको बेहद फ़ायदा होगा। और देखिए, जैसे मसलन अगर वो किताबें पढ़ेंगे, ये तो कहा जाता है कि अगर कोई किताबें बहुत पढ़े, और ये नहीं कि निसाबी किताबें बल्कि उसके अलावा जो किताबें बहुत पढ़े, तो उनको हर सब्जेक्ट में उनकी जो परफॉर्मेंस है उसमें बेहतरी आती है, ना सिर्फ इंग्लिश में या उर्दू में जिसमें वो किताबें पढ़ते हैं, बल्कि हर मौजू पर, हर सब्जेक्ट में, स्कूल में या कॉलेज में। तो एक तो उसका ये तो खैर है ही फ़ायदा, लेकिन और फ़ायदे ये हैं कि जो शौकीन हैं पढ़ने के, तो वो तो फिर बहुत पढ़ते हैं, हर किस्म की किताबें पढ़ते हैं, या ये भी हो सकता है कि एक मौजू पे वो कई लोगों के किताबें पढ़ें। मौजू एक होगा लेकिन उसमें जो सोच है, जो ख्यालात हैं, जो ओपिनियंस हैं लोगों की, वो अलग अलग होंगी। तो इससे उनको फ़ायदा ये होता है कि उनको क्रिटिकल थिंकर्स बनाते हैं, क्योंकि वो इतनी मुख्तलिफ लोगों की राय और सोच के बारे में उनको मालूमात होती हैं कि वो फिर इस सोच को वो अपने जहन में प्रोसेस करते हैं और फिर वो उसमें से उनकी अपनी सोच पैदा होती है। तो वो एक लिहाज से ओरिजिनल सोच पैदा होती है और साथ साथ वो एक किस्म की क्रिटिकल थिंकिंग की सलाहियत उनमें पैदा होती है। तो ये एक बहुत अहम मेरे ख्याल में ज़रूरत है जो लोग लिखना चाहते हैं, कि उनकी अपनी ओरिजिनल सोच हो। इसके साथ साथ जाहिर है उनकी जो वोकैबुलरी है वो भी बहुत बढ़ेगी अगर वो बहुत किताबें पढ़ेंगे, और उनका स्टाइल, वो इतने मुख्तलिफ स्टाइल से एक्सपोज होंगे, अगर वो बार बार अलग अलग लोगों के लिखने का स्टाइल पढ़ेंगे, तो ये पढ़ पढ़ के उनका अपना स्टाइल भी समझिए कि पैदा होगा। और साथ साथ सही अंग्रेज़ी या उर्दू लिखना ग्रामेटिकली, उसका भी उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि वो जब सही अंग्रेज़ी पढ़ेंगे लिखी हुई और सही उर्दू पढ़ेंगे लिखी हुई, या किसी भी ज़बान में, सिंधी, पंजाबी, बलोच, पख्तो, अगर वो अच्छी ज़बान पढ़ेंगे जो अदीबों ने लिखी है, तो वो ज़बान फिर उनको भी, वो भी सीख जाएंगे। और बल्कि आजकल तो ये कहते हैं कि जो ग्रामर है वो इस तरह आप नहीं सिखाते टेक्निकल तरीके से कि पास्ट पार्टिसिपल ये है या वर्ब ये है या प्रेजेंट पार्टिसिपल ये है, वो आपको जो ग्रामर आती है वो सही ग्रामेटिकल जबान को पढ़ के आती है। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ बैप्टिस सिद्वा की। आपने सबने नाम सुना होगा बैप्टिस सिद्वा का, पाकिस्तान की मशहूर वो नॉवलिस्ट हैं, ने बहुत किताबें लिखी हैं, द क्रो ईटर्स, द ब्राइड, द पाकिस्तानी ब्रैट, और बहुत सी भी किताबें लिखी हैं उन्हें बैप्टिस सिद्वा ने। तो जब बैप्टिस सिद्वा ने अपनी किसी इंटरव्यू में कहा था कि जब मैं छोटी थी, बच्ची थी, तो मुझे पोलियो हो गया था, और उस ज़माने में तो काफ़ी मुश्किलात पेश आए थे, और उनको इतनी मुश्किलात पेश आए थे कि वो स्कूल नहीं जा सकती थी पोलियो की वजह से। उनके वालदैन ने फिर उनके लिए घर पे ट्यूटर्स रखे, उस्ताद और उस्तानियाँ जो आके घर पे उनको पढ़ाती थी। तो बैप्टिस सिद्वा कह रही थी कि चूँकि मैं घर पे रहती थी तो मेरे पास वक्त ही ज़्यादा होता था, तो फिर मुझे पढ़ने का शौक़ हो गया। और कहने ही मैंने इतनी किताबें पढ़ी कि मुझे शौक़ हुआ कि मैं भी लिखूंगी किताबें।
तो आप देखिए ये किताबें पढ़ पढ़ के मैक्सी सीधा राइटर बन गई बाद में जाके, लेकिन उनमें उनके दिल में ये एक ये ख्वाहिश पैदा हुई पढ़ पढ़ के, और जाहिर है वो पढ़ के उनको सलाहियतें भी उनमें पैदा हुई कि वो आजकल की बेहतरीन लाजवाब राइटर हैं, और वो बल्कि उनने क्रिएटिव राइटिंग भी पढ़ाई है अमेरिका में। और इसी तरह मैं आपको एक और मिसाल दूंगी फैज़ अहमद फैज़ की, जो उन्होंने भी किसी किताब में ये लिखा था। वो ये कहते थे कि जब वो सियालकोट में थे छोटे बच्चे, तो उनके घर के पास एक लाइब्रेरी थी, और वो लाइब्रेरी में वो वहाँ से किताबें लेकर आते थे, और उस ज़माने में बहुत कम उसकी मेंबरशिप भी थी, पैसों में थी उनकी मेंबरशिप, तो वो मेंबर बन गए थे, किताबें लाए करते थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे वहाँ उस ज़माने में अदीबों की किताबें, मुझे शौक़ था, मैं वो भी लाता था, मैं उनके गज़लें भी पढ़ता था, जैसे गालिब की भी और मीर और हाली उन सब की उनकी गज़लें भी पढ़ी। कहने कि लेकिन मैं इतना छोटा था कि मुझे वो इतनी समझ में नहीं आती थी, लेकिन इतनी समझ में आ जाती थी कि मुझे मज़ा आने लगा। तो कहने मैंने बहुत पढ़ी उनकी नज़में, क्योंकि लाइब्रेरी मेरे घर के पास थी, मैं ले आता था, आराम से पढ़ता था, वापस कर देता था। और ये करते करते वो उनको भी शौक़ हुआ शायरी का, और आपको पता है कि माशाल्लाह वो पाकिस्तान में उनका क्या दर्जा है शायर का। तो कहने की बात ये है कि पढ़ना तो समझिए बहुत ही ज़रूरी है, और जितनी किताबें आप पढ़ें, रिसाले पढ़ें, तो इसी से आपकी एक इंडिपेंडेंट सोच पैदा होगी, और आपको ये भी पता चलेगा कि एक मौजू पे मुख्तलिफ ओपिनियंस हो सकती हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि हमेशा किताबें पढ़ा करें, जितनी पढ़ सकते हैं पढ़ें, और जितने जॉनर्स हैं आप पढ़ना चाहते हैं और पढ़ सकते हैं वो भी पढ़ें, और इंशाल्लाह आप भी एक बहुत बड़े अदीब बनेंगे। बहुत शुक्रिया।